भाई फर्स्ट टाइम किसी रीमेक मूवी को देखने के लिए इतना एक्साइटेड लग रहा है। विक्रम बेदा टीजर तो बाप लगा था, अब ट्रेलर उसका बाप लग रहा है। मतलब जब जब लेंथ बढ़ता जा रहा है विक्रम बेदा उतना खतरनाक लगता जा रहा है। इसी हिसाब से ये मूवी बहुत खतरनाक होने वाला है भाई, इसे बिल्कुल भी रीमेक बोल के अवॉइड मत करना। रीमेक सिर्फ स्टोरी से है, लेकिन जैसा कि मैंने टीजर रिव्यू में कहा था, ऋतिक रोशन की जलवा हर एक मोमेंट पे एक नई एहसास जरूर दिलाएगी। इस बार सैफ अली खान को भी थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है, कुछ डायलॉग्स भी हैं उनके, थोड़ा वॉयस अलग लग रहा है, लेकिन इंटेंस लुक के साथ ये वॉयस और डायलॉग्स कमाल है भाई। दोनों ही छा रहे हैं भाई विक्रम बेदा के रोल में। ट्रेलर में से अगर सबसे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो है BGM और एक्शन। ज़बरदस्त BGM भाई, ज़बरदस्त BGM और एक्शन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। नॉर्मल एक्शन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बेदा वाली ब्रूटल किलिंग लग रहा है टोटल, जो कि इसकी एक प्लस पॉइंट है। ऐसी मूवी में ऐसी एक्शन होनी भी चाहिए भाई। दो चीज़ होती है, एक मेहनती रीमेक और एक ओरिजिनल। अगर रीमेक को पकड़ो तो ओरिजिनल की ओरिजिनलिटी माइंड पे रह जाती है, और अगर ओरिजिनल को पकड़ो तो रीमेक की कड़ी मेहनत छूट जाती है। किसे चुनेंगे आप, ये तूफानी रीमेक या फिर खतरनाक ओरिजिनल? खैर ये बात तो 30 सितंबर को पता चल ही जाएगा थिएटर की क्राउड देख के। लेकिन सच बोलूँ तो 30 सितंबर वाली PS1 से विक्रम बेदा की टीजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और शायद उस मूवी के ऊपर ये मूवी भारी भी पड़ सकता है।